ऊपर मोनेटाइजेशन खुलवाई है। शेर यार ज़रा क्लिक करके दिखाइएगा कि कहाँ जाना होता है मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले अपने चैनल पे जाना होगा, और यहाँ पे ये आपको पहले डिसेबल मिलेगा क्योंकि आपने कंट्री सिलेक्ट नहीं की होगी। तो कंट्री सिलेक्ट करने के लिए फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप तो कंट्री पे चले जाएंगे। अब चूँकि मैं कर चुका हूँ तो अभी यहाँ पे नहीं आएगा, ये आ गया। यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड लिखा होगा, आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने चैनल के कीवर्ड्स अगर आपने देने दे दीजिए, ये बातें भी कर सकते हैं आप। नीचे आएंगे और सेफ पे क्लिक कर देंगे। जब सेफ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन पे आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आपको ये इनेबल का बटन आ जाएगा। इनेबल करेंगे, तीन चेक मार्क आप लगा देंगे और इस तरह से आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी वीडियोज़ में जाएंगे तो यहाँ पर अभी चूँकि कोई वीडियो है मौजूद नहीं है, कोई और चैनल मिला जी सर। इस तरह से ये अभी यहाँ पे हमने इसको ऑन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर आप इसको, आपको यहाँ पे ग्रीन डॉलर का निशान नजर आएगा जो इस बात की अलामत होगी कि आपकी वीडियो मोनेटाइज हो चुकी है। तो ये तरीका है मोनेटाइजेशन ऑन करने का यूट्यूब पे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होगा कि अच्छा पहले तो बताएं आवाज़ आ रही नहीं आ रही भाई, कन्फर्म कर दें आवाज़ आ रही। फिर मैं बटर बटर कर जा रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही तो फ़ायदा नहीं। आ रही आवाज़ है यस? अच्छा सो फ़ायदा इसका ये होगा कि अब आप अपने बच्चों की वाएँ वाएँ खेल कूद, पप्पा जी की बातें, दादी की बातें, नाना की बातें, वो सब उठा उठा के आप आराम से अपने फेसबुक पे डाल सकते हैं, सॉरी यूट्यूब पे डाल सकते हैं। और जब लोग उसको देखेंगे तो उसके ऊपर इश्तिहार दिखाएगा यूट्यूब, और दिखाने के बाद दे विल पे यू एनी वेयर फ्राम 10 पैसा पाकिस्तानी टू 1 रुपी पाकिस्तानी। और उससे अगर आपकी 1 लाख लोगों ने वीडियो देख ली तो तकरीबन आपके समझिए कि 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये बन जाएंगे। अब कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कितना डिमांड में है, कितना अच्छा है। इश्तहारों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट कितना अच्छा है, कि कौन लोग इश्तहार देना चाहते हैं आपको। अगर आप मंजन के बारे में बात कर रहे हैं तो मंजन वाले इश्तहार देंगे। अगर आप सिंपल कॉमेडी वीडियो बना के लगा रहे हैं, अपने बच्चों की पोएम्स लगा रहे हैं, तो ये होगा कि फिर जनरल लोग ऑडियंस आपके पास आएगी तो आपको कम पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप बैंकर हैं, आप बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, आप किसी एक स्पेसिफिक बात करते हैं, तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप फटाफट वीडियोस बनाते जाएं, और जो जो आप फैमिली की वीडियो बना रहे हैं, जो आप मज़ाहिया हों, कोई जोक्स हों, कोई रोज़ का लतीफ़ा सुना दें, कोई रोज़ की हदीस सुना दें, कोई कुरान शरीफ का तर्जुमा सुना दें, कुरान शरीफ बता दें, एनीथिंग यू वांट, आप यूट्यूब पे भरना शुरू कर दें। मैं सबको कहता हूँ अपने दिमाग की आर्काइव जो है वो, यानी कॉपी जो है वो यूट्यूब पे बना के छोड़ दें। आप पैसों के लिए नहीं, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ दें, तो आपको कुछ ना कुछ मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा, या आपके बारे में लोग जान जाएंगे। एक किसी ने सवाल किया कि पैसे कैसे आएंगे, तो यूट्यूब भाई आपको एक अदा चेक भेजेगा, वो आप चेक आप अपने बैंक में जमा करा देंगे, पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस तरीके से पैसे आएंगे। तो मैं अगेन इनक्रेज करता हूँ आप सारे लोगों को कि आप प्लीज़ यूट्यूब पर ज़रूर वीडियो बना के डालें, अच्छी मज़ाहिया प्रॉब्लमेटिक, यू नो जो लोग देखना पसंद करते हैं, मसालेदार। सबसे ज़्यादा जो वीडियोस चलती हैं वो बिल्ली, चूहो, बकरी, अगर आपने अभी अभी बकरीद गई है, जो आप कर बकरे की वीडियोस आप लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, और वो आप लगाएं, लोग बहुत खुश होंगे और देखेंगे, एंड यू विल एंड अप मेकिंग सम मनी। सो दीदार, मैं उम्मीद करता हूँ कि रोज़ाना आप एक लतीफ़ा बन सुना के एक सिंधी में और एक उर्दू में ज़रूर लगाएंगे, और एक इंग्लिश में भी लगाएंगे, क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी बड़ी मज़ेदार है, मुलायम किस्म की है, तो वो लोग गौर से सुनेंगे आपके लतीफ़ों को, और अंग्रेज़ जब वो वीडियो देखेगा तो उसके उससे भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। सो गो अहेड, मेक योर वीडियो। और अब ये नहीं होना चाहिए, अब महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद दीदार का 1 लाख रुपए का चेक मुझे नज़र आना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि दीदार वो चेक की कॉपी ज़रूर भेजना। चेक के पैसे नहीं चाहिए मुझे, लेकिन चेक की कॉपी भेजना, जाके मैं सबको दिखाऊँ कि दीदार 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, तो आप भी कमा सकते हैं।
और दीदार, उसमें आप अगेन अंग्रेज़ी की वीडियोस बनाएंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे और उर्दू की वीडियोस बनाएंगे तो कम लोग देखेंगे, क्योंकि उर्दू की ऑडियंस कम होती है, अंग्रेज़ी की ऑडियंस ज़्यादा होती है। दुनिया में 30-50% लोग अंग्रेज़ी समझते हैं, उर्दू समझने वाले सिर्फ 4-5% हैं। सो ये मेरी गुजारिश है, अपना ख्याल कीजिएगा, मोनेटाइजेशन ऑन कर लीजिएगा और सबको बताइए। हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो के ऊपर क्या कहते हैं नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं ऑनलाइन आ गया हूँ और लाइव आ गया हूँ, और आपको वो फेसबुक बता देगा कि मेरी वीडियो चल रही है। दो सवाल हैं, वी विल गेट एड्स ऑटोमेटिकली, आपको एड ऑटोमेटिकली जब मिलेंगे जब आप मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे, और सम टाइम्स आपको हर वीडियो के ऊपर जाके बताना होता है कि मैं इस वीडियो से पैसे कमाना चाहता हूँ या नहीं कमाना चाहता हूँ। बाय द वे शहरयार, इसके ऊपर ये फेसबुक वाली की जगह यूट्यूब वाली वीडियो लगा दो। और दूसरा आपने पूछा प्राइवेसी कंटेंट को कैसे केटर करें इफ़ वी कैप्चर वीडियोज़ इन यूएई। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप किसी की इजाज़त से शेयर कर रहे हैं उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, और मैंने आपने इजाज़त ले ली तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने उठाया और कोई फ़िल्म की कॉपी बना के लगा दी तो वो प्राइवेसी में आएगा, यूट्यूब खुद ही उड़ा देगा। कोई गाना अपलोड करेंगे यूट्यूब खुद ही उड़ा देगा। तो आपको अब प्राइवेसी इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज यूट्यूब के अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे ही आप कोई चीज़ लगाएंगे वो उड़ा के फेंक देगा, फेसबुक भी उड़ा देता है, यूट्यूब भी उड़ा देता है। जैसे ही कोई गाना ऐसा लगाएंगे या म्यूज़िक ऐसा लगाएंगे जो यूज्ड हुआ हुआ हो तो वो उड़ा देता है। ऐसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है आप चोरी का सामान नहीं लगा सकेंगे। तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, अपना कंटेंट क्रिएट करें, अपने वालदैन का, अपने पप्पा का, दादा नाना, जो हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, वो शेयर करें, और वो ज़्यादा लोग सुनना भी पसंद करते हैं, और इससे आपको और आपके ख़ानदान को और आपके मुल्क को फ़ायदा भी होगा। आप फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि आपको अमेरिका से पेमेंट आ रही है तो आपको पेमेंट पाकिस्तान में मिलेगी। आप फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं मुल्क के लिए तो इट्स अ गुड थिंग, आपको ज़रूर ये करना चाहिए। अगेन अपने मोबाइल में झांकें, कोई भी ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जो बच्चे की या बच्ची की या बकरे की, बकरी की, गाय की, जो मजाहिया हो, जो आप सबको दिखाते हैं, क्लिक करें उस पर, शेयर का बटन दबाएं, यूट्यूब पे अपलोड करें और फिर अपने फेसबुक पे लगाएं और सबको बोलें कि ये वीडियो देखो, जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अगेन सब्सक्राइब का बटन करने का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर की ऐड कीजिएगा और इसको वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जी हसन भाई जी, मेरी परसों से मुलाकात हो गई थी, मुशरफ साहब बहुत अच्छे इंसान लगे और उम्मीद करता हूँ कि वो फिर दोबारा भी उनसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।